है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। जर्जर मकानों को चिन्हित कर करवाएं खाली। जी हां, गुरुवार की सुबह थाना बेकनगंज क्षेत्र में हुई छत गिरने की घटना को पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लिया। इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने नगर आयुक्त को पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में स्थित जर्जर मकानों एवं भवनों को चिन्हित करके उन्हें खाली करवाने के संबंध में पत्र लिखा है। पुलिस आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ऐसे भवनों को समय रहते खाली करा लिया जाना चाहिए, वो बहुत ही आवश्यक है। आइए सुने क्या कहा पुलिस आयुक्त असीम अरुण जी ने। ना हुई जिसमें कि एक पुराना जर्जर मकान गिर गया, इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। ये बहुत दुख का विषय है क्योंकि ये घर चिन्हित था एक पुराने घर के रूप में, जर्जर भवन के रूप में। सो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम से हमने अनुरोध किया है, नगर आयुक्त महोदय से, कि ऐसे जो भी भवन जर्जर हैं, गिरासू हैं, उनको जो नियमानुसार खाली करने के प्रबंध हैं वो किए जाएं, और जहाँ जहाँ पे पुलिस की मदद की ज़रूरत है पुलिस की मदद भी की जाएगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जो गिरासू या असुरक्षित भवन है उनको सभी को खाली कराया जाएगा। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।